देवभूमि यानी देवों की भूमि उत्तराखंड में आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और मंदिर देखने को मिलेंगे। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिरों, पहाड़ों और हरियाली से सजा उत्तराखंड अपना एक डरावना इतिहास भी बयां करता है। चंपावत जिले के लोहा घाट में मुक्ति कोठरी नाम का एक हॉन्टेड बंगला है, जिसके आसपास के इलाके को भारत के सबसे हॉरर जगह में शुमार किया जाता है। आसपास रहने वाले लोगों की माने तो अक्सर यहाँ से कई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसी वजह से कोई भी स्थानीय व्यक्ति मुक्ति कोठरी के नजदीक जाने की हिम्मत तक नहीं करता। पिछले कुछ सालों के दौरान इस जगह पर कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं। मुक्ति कोठरी का इतिहास जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में इस बंगले में एक ब्रिटिश फैमिली रहा करती थी और बाद में उस ब्रिटिश परिवार ने इस बंगले को हॉस्पिटल बनाने के लिए दान कर दिया। ये बंगला हॉस्पिटल बनने के बाद काफी लोकप्रिय हुआ। कई लोग यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आया करते थे, लेकिन एक नए डॉक्टर के आते ही सब कुछ बदल गया। ये डॉक्टर मरीजों को देखने के बाद उनकी मृत्यु को लेकर इस बात का दावा करता था कि वो कब मरने वाले हैं। वहीं मरीज की मृत्यु भी उसी दिन और उसी समय होती थी जिसके बारे में डॉक्टर भविष्यवाणी करता था। स्थानीय लोगों की माने तो डॉक्टर उन मरीजों को एक गुप्त कमरे में ले जाकर उन्हें मारता था ताकि उसकी भविष्यवाणी गलत साबित ना हो। कहा जाता है कि जिन मरीजों की हत्या उस डॉक्टर ने अपनी भविष्यवाणी सही करने के लिए की थी, उनकी आत्माएं आज भी मुक्ति कोठरी में भटक रही हैं। इसी वजह से आज भी कोई व्यक्ति उस जगह के आसपास जाने की हिम्मत नहीं करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या इससे आपको कोई जानकारी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।